स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, किसी गरीब इंसान की तकलीफ को नहीं समझती। इसलिए समाज के स्वार्थी लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर उनके जेबें लूटती है, और अगर कोई उसके खिलाफ जाए तो लीगल नोटिस की धमकी देकर उसको डराया जाता है। रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी के सेशन में एक बहुत ही बड़ा स्कैम का एक्सपोज किया गया था, जिस पर संदीप सर ने किसी का भी जिक्र नहीं किया था। इसके बावजूद भी उसे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के द्वारा धमकियां मिली। वो अपने वीडियोस में बार बार संदीप सर को धमका रहे हैं कि वो उसके साथ बहुत जल्द ही कुछ गलत करने वाले हैं। क्या है ये स्कैम और वो कौन सी इंसान है? आईबीसी की पूरी सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं। अंदर गया तो वहाँ गेम मालूम पड़े गेम क्या है, और एक्चुअल वो है कि वहाँ मैं कस्टमर को जहाँ से मिला ना, बस तुम झूठ बोलो। अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी खुलता और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। तो मुझे दो तीन दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते रहे बोलते, लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और आपको अपना व्हाट्सएप नंबर इधर एड्रेस दो, वहाँ बोल दीजिए आकर पैसे ले जाइए, नहीं भी आना तो हम कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। आईबीसी एक ऐसी कंपनी है जो छोटे बिजनेस को एक दिशा दिखाकर अपने बिजनेस एडवाइजर के थ्रू उसे एक बहुत ही बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करने का संकल्प लिए थे, लेकिन समय के साथ आईबीसी के इरादे बदल गए। बजाय वो छोटे से बिजनेस के, बल्कि वो 18 से 30 साल के बच्चों को टारगेट करने लगे, यहाँ तक कि गरीब लोगों से पैसे लेकर उन्हें कोर्स प्रोवाइड करने लगे। एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ही सपना होता है सर, कि वे अपनी फैमिली को एक अच्छी सी लाइफ दे पाए, और इन्हीं सपनों का फायदा उठाकर वे लोग अपनी बड़े बड़े लग्जरियस लाइफ को दिखाकर एक गरीब सी आदमी को कन्विंस करवाते हैं और उन्हें आईबीसी में ज्वाइन करवाते हैं, जिसके लिए वो आदमी किसी से उधार में पैसे लाता है तो कोई अपने घर की जेवर गिरवी रखता है। लेकिन आईबीसी ज्वाइन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक कोर्स की मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए जब पैसे मांगने के लिए जाते हैं तब आईबीसी कंपनी उन्हें पैसे वापस नहीं करते, बल्कि उन्हें यह कहा जाता है कि उन्हें यदि पैसा लेना है तो एक कोर्स को आगे बेचना पड़ेगा, यानी कि अपनी पैसों को रिकवरी करने के लिए मजबूरी में वही गरीब लोग एक कोर्स को दूसरे को बेचते हैं, यानी कि सपने देखते थे बिजनेसमैन बनने की, लेकिन हकीकत में एक सेल्समैन बनकर रह जाते हैं। अगर कोई इंसान उसके खिलाफ जाए तो उसे या तो लीगल नोटिस की धमकी दिया जाता है या फिर स्ट्राइक देकर उसके चैनल को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। मिस्टर विवेक बिंद्रा जो आईबीसी के कोफाउंडर है, उनका कहना है कि वो हर आईबीसी में ज्वाइन किए जाने वाले लोगों को महीने का 10 लाख रुपए का रोजगार देंगे, जो हकीकत में बिल्कुल ही अपोजिट है। ये दावा हमारे देश के लोगों का बिल्कुल अपोजिट है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बजाय उसके पैसे को वापस देने की, उसके अपने हक को वापस देने की, एक कंपनी उन लोगों को सिर्फ एक नंबर की तरह यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे समाज में बहुत सारे भेड़िए हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखकर प्रभावित होकर उनको ही आइडल मानकर कोई भी ऐसे कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम खुद को माफ ना कर पाओ। अगर कोई भी ऑनलाइन पर कोर्स बेचता है तो अगर खुद से उसकी रिसर्च करो, उसकी सच्चाई को जानो, फिर जाकर उसकी कोर्स को खरीदो। ऐसे अंधेधुंध किसी पर भरोसा मत कर, इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। जय हिंद।